ठीक है, तुम उन्हें राजी कर लो, I'll wait. पर एक बात याद रखो, इस बार तुम्हारे बाबा खुद इस शादी के लिए हाँ करेंगे. वो मेरे बाबा को कॉल करेंगे और बताएंगे कि वो इस शादी के लिए राजी है. मेरे घर से तुम्हारे घर कोई नहीं है, गलती उन्होंने की है तो आजादा भी उन्हीं को करना पड़ेगा. यार तुम इकलौती बेटी हो अपने मामा की, डोंट यू थिंक तुम्हें थोड़ी जिद करनी चाहिए, अपनी बात मनवानी चाहिए. समझाओ उन्हें, जिद करो, अड़ जाओ अपनी बात में, और ये समझाओ उन्हें कि हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है, वो हर किसी को पाबंद नहीं कर सकते. हुरम, भूख हड़ताल खत्म कर दो, कुछ खा लो. बात भूख हड़ताल की नहीं है, मेरा सच में दिल नहीं कर. और जो खबर मैं तुम्हें सुनाने लगी हूँ ना, उसके बाद तुम्हारा दिल चाहने लगेगा. तुम्हारे बाबा मान गए. What? Really? Yes. भाई, बेटी ने पहली बार जिद की है, कब तक इनकार करते? Can't believe this. मामा, बात जिद की नहीं थी, मैं तो बस बाबा की गलतफहमी दूर करना चाहती थी. आई नो लाड प्यार की वजह से हारिस थोड़ा सा स्टबन हो गया, लेकिन दिल का बुरा नहीं है. अरे अल्लाह, तेरा शुक्र है, बहुत स्ट्रेस था. हो सकता है तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त हो, हम तो तुम्हें सब कुछ देखना चाहते. अच्छा खा लो, बल्कि ये सारा खत्म कर लेना. सुनो, कि अच्छी खबर हो तो कल तक का वेट नहीं करना, आज ही बता देना. अम्मा, सारी अकड़ निकाल दी महमूद साहब की. बेटी के सामने सारे बल निकल गए, अभी घुटने के बल चल के आएंगे, देखिएगा. सच कह रहे हो? मैं बिल्कुल, बेटी के सामने बड़ी अकड़ दिखा रहे थे, साफ कह दिया उरुम से मैंने कि अब तो हाँ करेंगे तो वही करेंगे, और बेचारे बेटी के सामने मजबूर हो गए. भैया ऐसे तो ना कहें. ऐसा क्या कह दिया मैंने? बेटी वाले हैं, उनको इस तरह तो शर्मिंदा नहीं करना चाहिए. फिर भी आपकी बहन हूँ, कल को कोई मेरी वजह से मामा बाबा को इस तरह कहेगा तो भी आप ऐसे ही खुश होंगे? हाँ बेटा, माना कि उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया है, लेकिन माँ बेटियों वाले जो हैं इस तरह से बात नहीं करते. मुझे समझ में नहीं आ रहा आप सबका प्रॉब्लम क्या है. आजकल जिसे देखो बस मुझे ही नसीहत करने पे लगा है. आप लोग सब मेरे बेटे के पीछे पड़ गए. हारिस, तुमने बिल्कुल ठीक किया है. अरे मेरा बेटा कोई आम लड़का थोड़ी है, माशाल्लाह से इतना जहीन, पढ़ा लिखा, हैंडसम, ऐसे तो नहीं उसने पोजीशन ले ली है ना, और फिर इतनी अच्छी नौकरी. इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हुरम को कबूल कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है. अच्छा सुनिए, अभी जब वो आएंगे ना तो जरा रूप से बात कीजिएगा उनसे. हारिस कज़लबाश की माँ है आप. सारा आ गई है. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. अरे ये तो गुलूफ करने की क्या जरूरत थी,
बस उस दिन हमारी वजह से जो आपका दिल दुखा, तो इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड. तुम्हारा अपना घर है भाई, बस मैं हाथ में मीठा और जबान पे हाँ लेकर आई हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मुझे मायूस नहीं लौटाएंगे. भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप आ गई हैं, यही सबसे बड़ी बात है. और इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है, क्यों हारिस जी? जा मीरा, शानो से कहो चाय का बंदोबस्त करे. तुम्हारी आंटी तो वैसे ही हमारे घर बहुत कम आती हैं. मैं तो अपने हारिस की जल्द से जल्द एंगेजमेंट करना चाहती हूँ, बल्कि इसी वीकेंड को कर लेते हैं, क्या ख्याल है? भाई जैसा तुम कहो, बल्कि आज रात को आप सब लोग डिनर पर इनवाइटेड हैं, वहीं डिसाइड कर लेंगे एंगेजमेंट की डेट. जैसे आप कहें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कर रही हैं आप अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला? जिंदगी का नहीं डॉक्टर साहब, खुशियों भरी जिंदगी का. खुशियां? खुशियों की कोई गारंटी नहीं है. अब आप कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो रहे हैं. इसलिए कि आप मां बेटी दोनों को हारिस की शानदार पर्सनैलिटी के सामने वो सब कुछ नजर नहीं आ रहा जो मुझे नजर आ रहा है. डॉक्टर साहब, मुझे तो अपनी इकलौती बेटी की खुशी और मोहब्बत नजर आ रही है, और इससे ज्यादा मैं कुछ देखना भी नहीं चाहती. मुझे तो सिर्फ उसकी खुशी चाहिए. और मेरे लिए हुरम का जिंदगी के किसी मोड़ पर भी दुखी होना नाकाबिल बर्दाश्त है. आपको तो खुशियां नजर आ रही हैं और मुझे उन खुशियों के पीछे खड़े दुख नजर आ रहे हैं. डॉक्टर साहिबा, अगर हारिस की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी में कभी कोई तकलीफ आई ना, तो मैं हारिस को कभी भी, अल्लाह ना करे, माँ बाप को ना अपनी औलाद के लिए हमेशा अच्छी बात मुंह से निकालनी चाहिए. और डॉक्टर साहब, अब आप भी ना सब कुछ भूल कर दुआ करें, बल्कि आप एक काम करें, मेरे साथ डिनर का मेन्यू डिसाइड करें. रिलैक्स डॉक्टर साहब, सब ठीक हो जाएगा.